गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आज असि चैप्टर प्रोबेबिलिटी दे कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करांगे। ऑल यू नो द चैप्टर इज़ वेरी इजी, सब तो इजी चैप्टर है। टेंथ मैथ्स आ कम टू द फर्स्ट सम। फर्स्ट सम इज फॉर एनी इवेंट पी ई। पी ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, किसी घटना की संभावना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट विल इट विल नॉट अकर। ई तो देखो बार है, बार का मतलब होंगे कि वो घटना नहीं होएगी। उन्होंने जोड़ कितना होएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट घटना वापरन की संभावना प्लस जमा घटना ना वापरन की संभावना का जोड़। तुहानू सारयां पता है जोड़ कितना होंगे, एक। सो आर आंसर इज ऑप्शन बी। कम टू द सेकेंड सम। सेकेंड सम इज वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टन इवेंट। सर्टेन इवेंट मीन्स जेड़ा इवेंट निश्चित होंदा कि होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी। कि देखो बेटे ध्यान नाल, कि जेड़ा इवेंट पक्का होएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होंदी है, वन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। सो किसी निश्चित घटना की संभावना कितनी होगी, आंसर विल बी 1। थर्ड सम इज वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इम्पॉसिबल इवेंट। पहले साढ़े को सर्टन इवेंट, हूँ साढ़े को इम्पॉसिबल इवेंट, जेड़ा इवेंट हो ही नहीं सकता। जेड़ा इवेंट हो ही नहीं सकता मतलब असंभव घटना की संभावना। जो घटना हो ही नहीं सकता इहदा मतलब उहदी संभावना की होएगी 0। सो आर आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ कम टू द फोर्थ सम। फोर्थ सम इज एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम। जे ओ इवेंट जिदी सिर्फ एक आउटकम होए उन्हों की कहते हैं, चार ऑप्शन है, पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल, अनसर्टन या एलीमेंट्री। तुसी याद रखना है कि जेड़े भी इवेंट का एक आउटकम होए, ठीक है, उन्होंने असी कहने आरंभिक घटना, एलीमेंट्री इवेंट। सो आर आंसर इज ऑप्शन डी। कम टू द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। सानू चार ऑप्शन दित्तियां ने, पूछा गया है कि इन्हों केड़ी किसी घटना की संभावना नहीं हो सकती। हुण बेटे तुसी याद रखना है कि किसी भी घटना की संभावना जिहड़ी है वो लाई करती है 0 to 1 दे विचकार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी किसी भी घटना की संभावना नैगेटिव कभी नहीं हो सकती। हूँ जैसे चारों ऑप्शंस में एकदम कंसीडर करिए, क्योंकि एमसीक्यूज मीन यू हैव टू रिप्लाई क्विकली, जिन्नी शॉर्ट टाइम तुसी रिप्लाई कर सको। अगर तुहानू फ्रैक्शन सम आ जाए तुसी उन्हों डेसिमल च रिप्रेजेंट करके देख लो, अगर वैल्यू 0 to 1 दे विच है इट विल बी पॉसिबल। इतने डायरैक्टली सानू पता लग रहा है कि बी की वैल्यू की है नैगेटिव। सो द नैगेटिव वैल्यू जेकर होए तो वह इवेंट जोड़ा है वो प्रोबेबल नहीं है, द उस घटना की संभावना नहीं हो सकती। सो आर आंसर इज ऑप्शन बी, बिकॉज इट इज़ -1.5 एंड द नैगेटिव इवेंट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी घटना की संभावना नैगेटिव नहीं होंगी। सिक्स सम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज गिवन। सानू एक घटना के होने की संभावना दी हुई है 0.05। पूछा गया वट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट विल नॉट अकर, ओवली घटना नहीं होएगी उसकी संभावना दसो। हमने मैं तुम्हें समझाया सी भी किसी भी घटना के होने की संभावना जमा ना होने की संभावना उसका जोड़ कितना होता है, एक। हमने असी किया हूँ असी की करांगे, वैल्यू पुट कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी दिती है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ द इवेंट प्लस 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ इवेंट विल बी 1 - 0.05। दिस यू नो इट इज 0.95। सो आर आंसर इज 0.95। कम टू द सेवेंथ सम। सेवेंथ सम इज वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तुहानू पता है कि कार्ड्स किन्ने होंगे टोटल 52। एक कार्ड काढ लिया, की पॉसिबिलिटी है कि वह किंग होएगा रैड कलर का। चंगी तरह असी ताश फैंटी उहदे चो लाल रंग दा बादशाह रैड कलर्ड किंग आन दी संभावना की है। बेटे देखो तुहानू प्रोबेबिलिटी दा फार्मूला पता है, दैट इज़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। देखो फेवरेबल मीन सानू इत्थे की चाहिदा, लाल रंग दा बादशाह, और वी वॉन्ट अ किंग ऑफ रैड कलर। किन्ने उहदे इवेंट 2,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ 'ਚ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਟੋਟਲ ਕਾਰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਟੋਟਲ ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਆਰ 52 ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ 1/26 ਸੋ ਆਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ 1/26 8th sum is 2 coins are tossed simultaneously. Do coins are unanu toss kita gya. Ki probability hai ki head nahi aayega. Hun dekho bete jadon coins nu toss karange do coin hai. Sade ko ki aayega? Ya te tail dono tail aange ya dono head aange ya ik tail aayega. Ik head aayega ya sade ko ik tail head aayega aur fir tail aayega. Hun ide ch dekho kide vich head nahi hai. प्रॉबेबिलिटी ऑफ गैटिंग नो हैड कि हैड नहीं है फस्ट ऑप्शन टोटल आउटकम्स किन्ने हैं 4 सो आर आंसर विल बी 1/4 कम टू द लास्ट सम इज एक असी डाइस सुटिया फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग द डाइस विद एन ऑर्डिनरी फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग 5 विद एन ऑर्डिनरी डाइस असी एक पासा सुटिया 5 आने की किन्नी संभावना होगी ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਸ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਲੁੱਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ 1, 2, 3, 4, 5 ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮਸ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਟਾ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਫੇਵਰੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ 5 ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਸ ਸੁੱਟਦੇ ਹਾਂ 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल आउटकम्स किन्ने हो गए 6 सो आर आंसर इज 1/6